हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने कवर कर लिया था मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे में कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको काफी सारे न्यू फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश के बारे में काफी सारे नए तथ्य जो शायद ही आपने कभी पढ़े होंगे। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश, ओके, सो मध्य प्रदेश एक अधिनियम था, सड़क परिवहन अधिनियम। तो सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अंतर्गत ही 1 जून 1962 को मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो आपका आंसर होगा 1 जून 1962 को। और ये किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अंतर्गत, ये भारत सरकार का अधिनियम था, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अंतर्गत ही 1 जून 1962 को मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। ओके, 1 जून 1962 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में ये जो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम है ये लॉस में जाने लगा। जब ये लॉस में जा रहा था, बहुत अधिक घाटा मध्य प्रदेश सरकार को उठाना पड़ रहा था, अतः मध्य प्रदेश सरकार ने फाइनली 31 दिसंबर 2002 को 31st दिसंबर 2002 को एक अधिसूचना जारी करके इसको बंद कर दिया, यानी विघटित कर दिया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आपको? यानी कि मध्य प्रदेश परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1962 को हुई थी, जिसे 31 दिसंबर 2002 को अधिसूचना जारी करके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विघटित कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कोई भी सरकारी बस नहीं चलती। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया कि बहुत अधिक घाटा हो रहा था, इसलिए राज्य परिवहन निगम को तो बंद कर दिया। अब जो वर्तमान में सरकारी बसें जो चलती हैं आपकी, वो अनुबंधित प्रणाली पे चलती हैं। अनुबंधित प्रणाली क्या होती है? अनुबंधित प्रणाली ये है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है वो बसें तो होती हैं किसी और की, मतलब जो प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं उनको वो अनुबंधित कर लेती है। ठीक है, तो जो प्राइवेट ऑपरेटर की जो बसें हैं उन्हीं को मध्य प्रदेश सरकार अनुबंधित करके सरकारी बस के तौर पे चलाती है। यानी कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार की खुद की परचेज की हुई कोई बस नहीं है, अनुबंधित प्रणाली के आधार पर ही पूरे प्रदेश में सरकारी सेवा की बसें चल रही हैं। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहां से आपको कुछ न्यू फैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी वर्तमान में संख्या कितनी है? तो उनकी वर्तमान में संख्या है 40, यानी कि 40 नेशनल हाईवे हैं जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये 40 क्यों? कहीं कहीं पे आपने पढ़ा होगा 18, कहीं कहीं पे आपने पढ़ा होगा 22 है, कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा 38 है, तो कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा 46 है। ठीक है, लेकिन अगर बात ये आए कि मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं, तो मध्य प्रदेश में 40 राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं। अब आप बोलोगे ये नया डेटा कहां से आया, हम कैसे माने? तो देखिएगा, मैंने मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट से ये उठाया है। वेबसाइट का नाम क्या है? MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसी की हिंदी होती है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो वहां नेशनल हाईवेज
सर्कुलेशन पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो उसमें अलग अलग स्टेट वाइज किस स्टेट में कौन कौन से नंबर के नेशनल हाईवेज हैं, कौन कौन से नंबर के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वो आपको उसमें ओपन होके आ जाएगा। कोशिश करूंगा कि मैं साथ में उसकी एक इमेज यहां पर डाल पाऊं। तो उसमें जो मध्य प्रदेश, उसमें लिखा था मध्य प्रदेश, ठीक है, और मध्य प्रदेश के सामने जो टोटल हाईवेज नंबर जो भी आपका NH3 NH12 इस प्रकार से हाईवेज नंबर लिखे हुए थे, तो सभी राज्यों के सामने सभी राज्यों से गुजरने वाले हाईवेज की संख्या लिखी हुई थी। उसमें जो मध्य प्रदेश के जो हाईवेज लिखे हुए थे उनकी कुल संख्या जब मैंने काउंट की तो 40 आई थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा 40, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड से मैंने ये लिया है। तो अलग अलग बुक्स में बहुत ही अलग अलग दिया है और इसमें स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसका सही आंसर है 40, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि अगर इस आंसर को आप चैलेंज भी करते हो, मान के चलो MPPSC में आया या व्यापम में आया, तो सबूत के तौर पे हम क्या दिखा सकते हैं, जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें जो मध्य प्रदेश के सामने जो टोटल जो 40 नेशनल हाईवेज दिए हैं उसको हम प्रूफ के लिए रख सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस वगैरह में सब जगह क्या चलता है, NCERT चलता है ना, कोर्ट भी उसी में जो दिया है उसी को सही मानता है। लेकिन मध्य प्रदेश की GS की बात की जाए तो NCERT के सिलेबस में MP की GS है ही नहीं, तो इसका फिर बेस क्या होगा? तो इसका बेस होगा मध्य प्रदेश जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, क्योंकि नेशनल हाईवे किसके अंडर में आते हैं, केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। तो केंद्र सरकार की जो वेबसाइट पे जो डेटा उपलब्ध है वही आपका सही डेटा माना जाएगा। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 40 है। इतना क्लियर हो गया आपको? ओके। लेकिन अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो प्रमुख रूप से जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो 22 ही हैं। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, कभी आप बोल रहे हो 40, अभी बोल रहे हो 22। देखिए मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 40 है, कुल राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो, टोटल कुल राष्ट्रीय राजमार्ग 40 हैं, लेकिन प्रमुख अगर पूछे प्रमुख तो उनकी संख्या 22 ही है, ठीक है। प्रमुख अगर देखा जाए तो उनकी संख्या 22 ही है, जैसे कि NH3, NH44, NH12, NH12AX, ऐसे करके अगर देखा जाए। तो आप फिर पूछोगे कि फिर आपने 40 क्यों बताइए? देखिए बाकी के इसलिए हमने नहीं लिए क्योंकि उनमें से क्या होता है, अगर मैं आपको एक MP का मैप ड्रॉ करके दिखाऊं, इसलिए NH3 को हम किसमें काउंट करेंगे, जो मध्य प्रदेश के जो मेन नेशनल हाईवे हैं उनमें हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाकी के जो नेशनल हाईवे हैं जो इन 22 में नहीं आते वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास से होके गुजर रहे हैं, कोई यहां से गुजर रहा है, 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 या कोई यहां से होके गुजर गया। तो मतलब ये नेशनल हाईवे ऐसे नेशनल हाईवे हैं जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अंदर अधिकतम सड़कों को कवर करते हुए या अधिकतम क्षेत्रफल को कवर करते हुए नहीं गुजर रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के साइड से ही, हालांकि मध्य प्रदेश की बाउंड्री के अंदर से होकर गुजर रहे हैं। इसलिए इन 40 में जो मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश के अधिकतम भूभाग को कवर करने वाले जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी संख्या 22 ही है। समझ में आया आपको? टोटल 40 है लेकिन 40 के 40 मेन नहीं है, क्योंकि NH3 जैसे मध्य प्रदेश के अधिकतम भूभाग को कवर कर रहा है, और कौन सा आपका NH12। अब देखिए NH12 भी क्या है, ये जबलपुर है, तो जबलपुर से कहां जाता है, जयपुर, तो जबलपुर से जयपुर जाते में ये भी बहुत सारे भूभाग को कवर करता है। NH44 आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, NH44 भी देखिए छिंदवाड़ा से फिर आगे कहां जाता है आपका, नागपुर, तो ये भी क्या करता है NH44 जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ये भी मध्य प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रफल से होकर गुजरता है। इस कारण से जो मध्य प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रफल से होकर गुजरते हैं ऐसे नेशनल हाईवेज की संख्या 22 है, ओके। और कुल नेशनल हाईवेज अगर देखे जाए तो कुल नेशनल हाईवेज की संख्या 40 है, हमारी भारत सरकार की वेबसाइट के अकॉर्डिंग। अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया, तो मध्य प्रदेश में कुल नेशनल हाईवेज की जो संख्या है वो 40 है, लेकिन मुख्य रूप से
जो नेशनल हाईवेज है मध्य प्रदेश में उनकी संख्या 22 है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से मध्य प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है, यानी कि मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर आता है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से मध्य प्रदेश का पूरे देश में फोर्थ रैंकिंग है, यानी कि चौथा स्थान है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक लंबाई के नेशनल हाईवेज हैं, 17,757 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है, 11,737 किलोमीटर। राजस्थान थर्ड नंबर पे आता है, 10,342 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश फोर्थ नंबर पे आता है, 8,010 किलोमीटर नेशनल हाईवे के साथ। हालांकि ये आंकड़ा अब थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, तो बढ़ गया है, तो जो अगला जो इकोनॉमिक सर्वे होगा 2019-20 का, उसमें ये अपडेटेड होके आपका आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्गों के हिसाब से मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है, तो मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप। ठीक है, लेटेस्ट बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, 2019-20 की मान के चलिए आपको, ये लेटेस्ट एकदम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राज्य राजमार्ग। तो राज्य राजमार्ग की डेफिनेशन में पहले ही बता चुका था लास्ट वाली वीडियो में, फटाक से रिवाइज करते हैं कि जो जिलों को एवं महत्वपूर्ण नगरों को आपस में जोड़ते हैं वह राज्य राजमार्ग कहलाते हैं। ठीक है, जिलों को और महत्वपूर्ण नगरों को आपस में जोड़ते हैं राज्य राजमार्ग कहलाते हैं। इनका निर्माण एवं प्रबंधन पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाता है। इनका निर्माण एवं प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, तो पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। इनका निर्माण एवं प्रबंधन लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। अब देखिएगा, तो मध्य प्रदेश में जो स्टेट हाईवे हैं, मध्य प्रदेश में जो राज्य राजमार्ग हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है, तो 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे हुआ था। इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है वो 48 बताई गई है। ठीक है, तो याद रखना, पूरे मध्य प्रदेश में 48 राज्य राजमार्ग होकर गुजरते हैं, जबकि नेशनल हाईवे कितने पड़े थे हमने 40, और स्टेट हाईवे की संख्या कितनी है 48। 48 स्टेट हाईवे हैं जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है। तो सबसे लंबा राज्य राजमार्ग है आपका SH-19, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, स्टेट हाईवे 19। ये कहां से कहां तक जाता है, तो ये आपका जाता है जैतपुर से लेके छिंदवाड़ा तक। ठीक है, जैतपुर कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। छिंदवाड़ा कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इसकी जो कुल लंबाई है वो 743 यानी कि 743 किलोमीटर है। इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट जो स्टेट हाईवे है मध्य प्रदेश में, SH-26, स्टेट हाईवे नंबर 26, और इस स्टेट हाईवे नंबर 26 की जो कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर, और ये चिल्पी यानी छत्तीसगढ़ से कहां तक जाता है, बड़ौदरा गुजरात तक जाता है। इसको हम मैप के द्वारा समझते हैं, तो आइए देखते हैं मैप में। ठीक है, चलिए, ये आपको दिख रहा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे SH-19। तो ये जैतपुर, जैतपुर कहां है, ये ऊपर का जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश का है, तो जैतपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से ये जाता है भिंड में, भिंड से ये जाता है कहां, महगांव में। ठीक है, और महगांव भिंड होते हुए फाइनली ये एंटर करता है कहां, दतिया में। दतिया से ये जाता है कहां, पिछोर में, और पिछोर से फिर ये आगे बढ़ते हुए जाता है कहां, मुंगावली। मुंगावली आपका पड़ता है अशोकनगर जिले में, और पिछोर आपका पड़ता है शिवपुरी जिले में। ठीक है, भिंड, भिंड से दतिया, दतिया से पिछोर, पिछोर आपका पड़ेगा शिवपुरी जिले में, पिछोर से मुंगावली, मुंगावली पड़ेगा आपका अशोकनगर वाले जिले में, मुंगावली से आगे विदिशा, विदिशा से आगे फिर सलामतपुर, सलामतपुर से आगे बरेली, बरेली आपका पड़ता है रायसेन जिले में,
और बरेली से फाइनली कहां? छिंदवाड़ा। ओके, तो SH-19 कहां से कहां जाता है? तो जैतपुर से छिंदवाड़ा तक जाता है। ठीक है, इसकी कुल लेंथ कितनी है? तो 743 किलोमीटर। यह आप याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग है। SH-19 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, कहां से कहां तक है? जैतपुर से छिंदवाड़ा। अब ये सब क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें, बीच के जो भी तहसील या जिले हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि स्टेट हाईवे का नहीं आता है, लेकिन नेशनल हाईवे का जरूर आता है कि यहां कौन सा नेशनल हाईवे किस जिले से होकर गुजरता है। तो ये आपको एक आइडिया मैप के थ्रू आपको होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। तो जो सेकंड नंबर का जो लंबा स्टेट हाईवे है उसका नाम है SH-26। और ये जो SH-26 है ये चिल्पी से कहां तक जाता है? बड़ौदरा तक। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक जाता है? तो आप देख सकते हैं चिल्पी से बड़ौदरा तक जाता है। तो चिल्पी कहां है? तो चिल्पी है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चिल्पी छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में एंटर करता है बालाघाट। बालाघाट से जाएगा कहां? सिवनी। सिवनी से जाएगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से जाता है बैतूल। बैतूल से जाता है खंडवा। खंडवा से खरगोन, और खरगोन से फाइनली गुजरात में एंटर करके कहां तक जाता है? बड़ौदरा तक। तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं SH-26, स्टेट हाईवे 26, जो कि चिल्पी से बड़ौदरा तक जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई? 692 किलोमीटर है। ओके, क्लियर हो गया इतना? तो इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया सबसे बड़ा स्टेट हाईवे SH-19, जो कि कहां से कहां तक है? जैतपुर से छिंदवाड़ा तक। और सेकंड नंबर का जो स्टेट हाईवे वो SH-26 है, जो कहां से कहां तक है? चिल्पी से बड़ौदरा तक जाता है। चिल्पी से बड़ौदरा तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सबसे छोटा स्टेट हाईवे, ये तो क्या सबसे बड़ा, अब देखते हैं कि सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा स्टेट हाईवे है उसका नंबर आप याद कर लीजिएगा, SH-39A, स्टेट हाईवे 39A। कहां से कहां तक है? तो थांदला से कुशलगढ़ तक जाता है। थांदला आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कुशलगढ़ आपका पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, चलिए इसको मैप के द्वारा देखते हैं। तो देखिएगा, ये है झाबुआ जिला मध्य प्रदेश का। झाबुआ में ये है थांदला। थांदला से कुशलगढ़, तो इस साइड है MP और इस साइड क्या है आपका? राजस्थान। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के थांदला से कुशलगढ़ तक जो राज्य राजमार्ग है वो 39A है, और यही 39A मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो स्टेट हाईवे है वो 39A है, जो कि 22 किलोमीटर लंबा है, जो कि थांदला से कुशलगढ़ तक जाता है। ठीक है, थांदला से कुशलगढ़। थांदला कहां पड़ेगा? झाबुआ जिले में, और कुशलगढ़ आपका पड़ता है राजस्थान के एरिए में। इसके बाद अगर देखें, सेकंड जो आपका स्मॉलेस्ट पड़ेगा, सेकंड स्मॉलेस्ट यानी कि सेकंड नंबर का जो सबसे छोटा स्टेट हाईवे है वो है SH-19A। और ये SH-19A ये कहां से कहां तक है? तो मटकुली से पचमढ़ी तक। तो देखिए, ये होशंगाबाद जिला है, यहां मटकुली से पचमढ़ी तक SH-19A की जो कुल लंबाई है वो है आपकी 28 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कौन सा है? तो SH-39A मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, जो कि थांदला से कुशलगढ़ जाता है। उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो SH-19 है, जो कि होशंगाबाद जिले में मटकली से कहां जा रहा है? पचमढ़ी तक जाता है। ये मध्य प्रदेश का SH-19A सेकंड नंबर का स्मॉलेस्ट स्टेट हाईवे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहां से स्टार्ट होते हैं आपके न्यू फैक्ट्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा। तो मध्य प्रदेश में ARS सिस्टम स्टार्ट हो गया है, ARS की सुविधा स्टार्ट हो गई है।
ठीक है, कब से स्टार्ट हुई है, तो दिसंबर 2019 से। अब ये ERS क्या होता है, एक्सीडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम। एक्सीडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम, देखिए एक्सीडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम क्या होता है कि जब भी आप कहीं सड़क मार्ग से कहीं जा रहे हैं, आप चाहे नेशनल हाईवे से कहीं पे जाएं, या आप स्टेट हाईवे से कहीं पे जाएं, या आप किसी भी जिला मार्ग यानी कि डिस्ट्रिक्ट रोड से कहीं पे भी जाएं, अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो आप 1099 इस टोल फ्री नंबर पे आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, उसका तत्काल निवारण सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो मैक्सिमम जब भी हम रोड से गुजरते हैं तो काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं, उस कंडीशन में हमें समझ में नहीं आता कि हम कहां किसको फोन करें। तो सीधा सीधा है, ये MP गवर्नमेंट ने ये नंबर लॉन्च कर दिया है 1099, ठीक है। तो ये क्या है, ये ERS है, एक्सीडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम। तो 1099 किससे संबंधित है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो 1099 जो टोल फ्री नंबर है, ये ERS यानी एक्सीडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम है। तो ये कब आप कॉल कर सकते हैं, एक्सीडेंट की कंडीशन में, या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, या रोड पे काफी ज्यादा ट्रैफिक हो, तो ऐसी कंडीशन में आप 1099 पे कॉल कर दीजिए, गवर्नमेंट जो है तत्काल उसका निवारण करने की कोशिश करेगी। क्लियर हो गया? तो बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और नया क्वेश्चन है ERS। तो ERS सुविधा क्या होती है, एक्सीडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम, मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया दिसंबर 2019 में। इतना क्लियर हो गया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और मेन डिस्ट्रिक्ट रोड सभी के लिए कवर करता है आपका ERS। आगे बढ़ते हैं, हमने कवर कर लिया है, ओके। अब हाँ, एक अगला क्वेश्चन आता है कि जो एक्सीडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये आप याद रखना, मध्य प्रदेश स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है, मध्य प्रदेश स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ERS सिस्टम की सुविधा स्टार्ट की गई है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि जो एशियाई विकास बैंक है, जिसे हम बोलते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश सरकार को 49 करोड़ डॉलर का ऋण दिया है, ठीक है। ADB मध्य प्रदेश सरकार को 49 करोड़ डॉलर का ऋण देगी, 49 करोड़ डॉलर का लोन देगी। क्यों लोन देगी, क्योंकि 1600 किलोमीटर लंबी जो रोड है उनका कंस्ट्रक्शन किया जाना है, उनकी मरम्मत एवं कंस्ट्रक्शन इसमें शामिल है। तो याद रखिएगा, एशियाई विकास बैंक के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को 49 करोड़ डॉलर का लोन दिया जाएगा। अब इस 1600 किलोमीटर में जो 750 किलोमीटर है, 750 किलोमीटर के जो स्टेट हाईवेज हैं, राज्य राजमार्ग हैं, इनका उन्नयन किया जाएगा। उन्नयन मतलब क्या होता है, उन्नयन का मतलब होता है मरम्मत, ठीक है। तो 750 किलोमीटर के जो स्टेट हाईवेज हैं, उनका तो किया जाएगा क्या, उन्नयन। उन्नयन यानी इनकी क्या की जाएगी भाई, मरम्मत की जाएगी। और 850 किलोमीटर के जो प्रमुख जिला मार्ग हैं, 850 किलोमीटर के जो प्रमुख जिला मार्ग हैं, उनको सिंगल लेन से डबल लेन किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो ADB ने मध्य प्रदेश सरकार को 49 करोड़ डॉलर का ऋण दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि वो 1600 किलोमीटर का जो उसका रोड है उसको वो मरम्मत एवं निर्माण कर सके। अब इस 1600 किलोमीटर में से 750 किलोमीटर के जो राज्य राजमार्ग हैं, उनका उन्नयन यानी मरम्मत किया जाएगा, ठीक है। और बाकी के जो 850 किलोमीटर की जो है जिला मार्ग हैं, उनको सिंगल लेन से क्या किया जाएगा, डबल लेन, यानी एक लेन से दो लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये 49 करोड़ डॉलर ADB से मिलेंगे। इसके अलावा जो 28 करोड़ 60 लाख डॉलर है, वो मध्य प्रदेश सरकार PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से जुटाएगी, ठीक है। 28 करोड़ 60 लाख डॉलर मध्य प्रदेश सरकार PPP के माध्यम से जुटाएगी। तो ये आपको याद रखना है, एकदम लेटेस्ट न्यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि रीवा हनुमना, ठीक है, ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, रीवा से लेके हनुमाना तक, रीवा से लेके हनुमाना तक कौन सा स्टेट हाईवे गुजरता है, तो स्टेट हाईवे नंबर 30, ठीक है।
राज्य राजमार्ग नंबर 30। इस राज्य राजमार्ग में अभी दिसंबर 2019 में जोग निहाई टोल प्लाजा में फास्टैग लेन का शुभारंभ किया गया है। जोगिनी हाई जो टोल प्लाजा है SH-30 पे रीवा से हनुमाना के बीच में यहाँ फास्टैग लेन का शुभारंभ किया गया है। अब ये फास्टैग लेन क्या होती है, तो देखिए आपकी जब गाड़ी किसी टोल प्लाजा पर जाती है तो वहां पे टोल को पे करने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। लेकिन अब फास्टैग अगर आपकी गाड़ी पे है तो फास्टैग की एक लाइन अलग होती है और वहां पे कोई रश नहीं होता, आपकी गाड़ी सीधी यहां से निकलेगी तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से टोल कट जाएगा और आपको यहां रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को बोलते हैं फास्टैग लेन, यानी कि ई पेमेंट हो जाएगा आपके अकाउंट से। इसी को नाम दिया गया है फास्टैग लेन का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो वाहनों के टोल के भुगतान हेतु ई पेमेंट के माध्यम से ये तुरंत होगा। ओके, और अब ये कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए आप पेटीएम के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप पेटीएम पे जाइए, पेटीएम में फास्टैग आप टाइप कर दीजिए, उसके थ्रू जो भी आपकी फोर व्हीलर है वो फास्टैग से कनेक्ट हो जाएगी। और इसमें प्रीपेड सिस्टम है, आप जितना भी चाहें 500-1000 का ऑलरेडी अपने अकाउंट में रखिएगा। तो जिस भी टोल प्लाजा से आप निकलोगे जहां फास्टैग है वहां ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपको वहां वेटिंग यानी कि लाइन में नहीं लगे रहना पड़ेगा, आप सीधे निकल जाओगे। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, फास्टैग किस टेक्नोलॉजी के थ्रू, फास्टैग में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, फास्टैग में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो देखिए फास्टैग में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको बोलते हैं हम रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है फास्टैग में, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी होती है, यहाँ पे आपकी कार, गाड़ी का नंबर, ये सब कुछ आपको डालना पड़ता है फास्टैग में। जब भी आप रजिस्टर करोगे इसका तो उसके हिसाब से जैसे ही आप टोल प्लाजा से गुजरोगे तो वो आपके कार के नंबर के हिसाब से आपको जो भी चार्ज होगा, जो भी टोल होगा, उसको ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा पुल है वो तवा नदी पर है, होशंगाबाद। होशंगाबाद में एक जगह है जिसका नाम है बाबई, तो बाबई नामक स्थान पर है, ये आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पर है होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पर है होशंगाबाद में, बाबई नामक स्थान पर। अब इसकी जो कुल लंबाई वो लगभग आपकी 1360 मीटर है, तो ये जो पुल है ये 1360 मीटर लंबा है। ये तो हो गया मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल। ठीक है, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल। अब ये ऊंचा है, ये लंबा था, तो लंबा कहां है, तवा नदी होशंगाबाद में। अब मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल तो चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, चंबल नदी पर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 125 मीटर है, ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी होशंगाबाद पे हो गया, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल है चंबल नदी पर। ठीक है, और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 125 मीटर की ऊंचाई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी है इंफोसिस, और इंफोसिस ने अपना सुपर कॉरिडोर बनाया हुआ है। तो इंफोसिस ने अपना सुपर कॉरिडोर कहां बनाया हुआ है, तो इंदौर में बनाया हुआ है, ये आप याद रखना। इंदौर का सुपर कॉरिडोर बहुत ज्यादा फेमस है। तो इंदौर में सुपर कॉरिडोर क्या होता है, सुपर कॉरिडोर ऐसा कॉरिडोर होता है जहां ट्रैफिक बहुत कम होता है और इमरजेंसी के काम आता है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इंदौर से किसी बॉडी का हार्ट निकाल के उसे मुंबई भेजा गया और मुंबई में क्या हो गया, उसको दूसरी बॉडी में उसको क्या कर दिया गया, उसका ट्रांसप्लांट कर दिया गया। तो कैसे किया जाता है, देखिए कोई भी शरीर का अंग होता है तो इंदौर में उसका ऑपरेशन किया जाता है। अब ऑपरेशन करके उसे मुंबई पहुंचाने के लिए कहां तक पहुंचाना पड़ेगा, इंदौर की एयरपोर्ट पे। तो इंदौर की एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए उसे क्या चाहिए, उसे एक सुपर कॉरिडोर यानी कि एक ऐसा रास्ता चाहिए जहां पर ट्रैफिक बहुत कम हो, उसी को बोलते हैं सुपर कॉरिडोर। तो सुपर कॉरिडोर से होता हुआ वो एयरपोर्ट जाएगा, एयरपोर्ट से फ्लाइट के द्वारा कहां जाएगा, मुंबई। और ये काम बहुत जल्द करना पड़ता है क्योंकि जो बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं ना वो जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए सुपर कॉरिडोर हमारे कहां पे है, इंदौर में। किस कंपनी के द्वारा बनाया हुआ है, इंफोसिस कंपनी के द्वारा बनाया गया है।
ओके, बात करते हैं मध्य प्रदेश में परिवहन कार्यालय। तो मध्य प्रदेश में परिवहन कार्यालय, देखिए मध्य प्रदेश परिवहन निगम तो हो गया है बंद, कब? तो हमने पढ़ा था अभी 31 दिसंबर 2002 में, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर को वो बंद हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में अगर परिवहन कार्यालय क्या करते हैं, तो ये परिवहन कार्यालय जो बसें होती हैं उन बसों को अनुबंध करने का काम करते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रीय, तो टोटल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय मध्य प्रदेश में वर्तमान में है 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हैं। और हर जिले में भी, तो ज्यादा जिलों में कार्यालय नहीं है, लेकिन जिला परिवहन कार्यालय कितने हैं? 30 हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की संख्या 10 है और जिला परिवहन कार्यालयों की संख्या 30 है। और इनका काम क्या होता है? तो वही बसों को अनुबंध करके चलवाना, ठीक है, बसों का अनुबंध करना। अब हम आगे बढ़ते हैं मुख्य जिला मार्ग। तो देखिए मुख्य जिला मार्ग भी लास्ट वाले वीडियो में कवर किया था। डेफिनेशन क्या थी? मुख्य जिला मार्ग वे होते हैं जो जिले के नगरों, बड़ी बस्तियों एवं अन्य प्रशासनिक केंद्रों को जोड़ते हैं। जिले के नगरों, बड़ी बस्तियों एवं अन्य प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं आपके जिला मार्ग। तो ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। जिला मार्गों की कुल लंबाई 22,129 किलोमीटर है, ये भी हमने लास्ट वाले वीडियो में देख चुके हैं। और जिले मार्गों का रखरखाव इसके द्वारा किया जाता है। तो मुख्य जिला मार्गों का रखरखाव भी PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। अब 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार 3200 करोड़ की लागत से 2143 किलोमीटर लंबे मुख्य मार्ग बनाने की योजना है। आगे बढ़ते हैं ग्रामीण मार्ग। अब यहाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ योजनाएं जो हैं ग्रामीण मार्ग को लेकर चल रही हैं। तो ग्रामीण मार्ग क्या होते हैं, हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था। ग्रामीण मार्ग या सहायक सड़कें जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती हैं, ठीक है। ग्रामीण मार्ग क्या होते हैं, जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती हैं, वो सड़कें कहलाती हैं आपकी ग्रामीण मार्ग या सहायक सड़कें। अब ये जो ग्रामीण मार्ग होती हैं, रूरल रोड जिन्हें हम बोलते हैं, इनको जो फाइनेंस यानी कि वित्त जो कहां से मिलता है, तो इनको वित्त यानी कि फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा, ठीक है। तो ग्रामीण सड़कों को फाइनेंस की व्यवस्था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से दी जाती है, क्लियर हो गया। और ये इम्पोर्टेंट है, 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 4000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 2018-19 में 4000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया, 7500 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण की योजना है और 65000 किलोमीटर जो सामान्य सड़क है उनका उन्नयन, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि 4000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया, किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्या होती है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से स्टार्ट की गई, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब से स्टार्ट की गई? 25 दिसंबर 2000 से स्टार्ट की गई, ओके। और इसके अंतर्गत ऐसे गांव या विकास खंड, ठीक है, ऐसे गांव या विकास खंड, तो विकास खंड क्या होते हैं? गांव का समूह, ग्रुप ऑफ विलेजेस, या बोल सकते हैं पंचायतों का समूह, विकास खंड कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे गांव या विकास खंड, अब देखिए एक विकास खंड में कई सारे गांव भी हो सकते हैं, तो ऐसे गांव या विकास खंड जिनमें 500 या इससे अधिक की जनसंख्या हो, समझना इसको आराम से, क्योंकि इससे मिलती जुलती एक प्रधानमंत्री, इससे मिलती जुलती एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है ना। तो डेफिनेशन समझना, हम पढ़ रहे हैं कौन सी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कहती है कि अगर किसी गांव या विकास खंड की आबादी 500 या उससे ज्यादा है, तथा आदिवासी विकास खंड, आदिवासी कोई गांव या विकास खंड है उसकी आबादी 250 से अधिक है, 250 या इससे अधिक है,
तो ऐसे संपर्क विहीन गांवों को, मतलब ऐसे संपर्क विहीन गांव मतलब जहां सड़कें नहीं हैं, उनको बारामासी सड़कों से जोड़ा जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा। प्रधान तो इससे क्वेश्चन बनता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब से स्टार्ट हुई? 25 दिसंबर 2000 से स्टार्ट हुई। इसके अंतर्गत किस प्रकार के गांवों को जोड़ा जाएगा? तो ऐसे गांव या विकासखंड सामान्य जिनकी आबादी कितनी है, ऐसे सामान्य गांव या विकासखंड जिनकी आबादी 500 या उससे अधिक है, तथा अगर आदिवासी एरिया है तो उस आदिवासी गांव या विकासखंड में जिनकी आबादी 250 या उससे अधिक है नहीं थी, तो इनको क्या किया गया? इनको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बारामासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये तो हो गई प्रधानमंत्री। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला जो है हमारी मुख्यमंत्री, वो भी इससे मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आबादी 500 या इससे अधिक है, 250 या इससे अधिक है, इन्हीं को हम किससे जोड़ेंगे? बारामासी सड़क से। अब देखिए इससे मिलती जुलती एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मध्य प्रदेश में 2010-11 में स्टार्ट हुई थी। मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान थे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत 2010-11 में हुई थी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सामान्य क्षेत्रों में 500 से कम, अब देखिए यहाँ पे आ गया क्या कम, ठीक है, अब ये आपको याद रखना है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए प्रधानमंत्री में कहता 500 या इससे अधिक, जबकि इसमें क्या आ गया 500 या इससे कम, यानी कि ऐसे गांव जिनकी आबादी या तो 500 है या 500 से कम है, ठीक है, तथा आदिवासी गांव जिनकी आबादी या तो 250 हो या 250 से कम हो। तो इस प्रकार के जितने भी गांव हो उनको मुख्यमंत्री सड़क योजना के द्वारा बारामासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, ये क्या 500-250 लगा रखा है, तो भाई इसमें क्या था, इसमें 500 से अधिक हो सकती है, ठीक है, कोई गांव है तो वहां की आबादी मान के चलो 800 है, 900 है, 1000 है, 1200 है, तो उनको किसके द्वारा जोड़ा जाएगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा। या कोई आदिवासी विकास खंड है उसकी आबादी 250 से ज्यादा है, 250 से ज्यादा कितनी, 400, 500, 600 कुछ भी हो सकती है, तो उसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा बारामासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्या अंतर हो गया? तो यहाँ पे ये अंतर हो गया, यहाँ पे आबादी 500 से अब कम हो गई, तो वहां 500 से ज्यादा थी, वहां आबादी 500 से ज्यादा थी, यहाँ 500 से कम हो गई। 500 से कम मतलब 400 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है। तो ऐसे गांव जिनकी आबादी 500 से कम है या आदिवासी क्षेत्र जिनकी आबादी 250 से कम है, तो ऐसे गांवों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा बारामासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। बस सिंपल है, और कुछ नहीं है। अब तो आप बोलोगे यहां पे भी गांव है, यहां पे भी गांव है, ये क्या दोनों साइड गांव गांव है? तो देखिएगा, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो गांव कवर हुए थे तो उनमें कुछ गांव अगर छूट गए थे, ठीक है, तो जो गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कवर नहीं हो पाए उन्हीं गांवों को कवर करने के लिए बनाई गई है मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब क्लियर हो गया? तो ऐसे गांव जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कवर नहीं हो पाए थे, ऐसे गांवों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कवर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इसलिए डेफिनेशन क्या हो गई, तो जिनकी आबादी कितनी हो 500। अब देखिएगा, तो ऐसे गांव प्रधानमंत्री योजना में क्यों छोड़ दिए गए थे? क्योंकि भाई जिनकी आबादी 500 से कम होगी, क्योंकि इसमें लिखा है 500 या इससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन 500 से कम आबादी हो पाएगी तो वो प्रधानमंत्री में कवर नहीं हो पाए, ठीक है, तो वो कहां कवर हो गए? यहां कवर हो गए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किनके लिए है? ऐसे गांवों के लिए है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कवर नहीं हो पाए, छूट गए, ऐसे गांवों के लिए। देखिए इसमें लिखा भी है, यह योजना इसमें ऐसे ग्रामों को कवर किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवर नहीं हो पाए थे, ऐसे गांवों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में कवर किया जाता है। और 2017 तक 7000 गांवों को अभी तक जोड़ा जा चुका है मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा,
ठीक है। तो 2017 के 2017 तक अभी कुल मिला के 7000 गांवों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा 12 मासी सड़कों से जोड़ा जा चुका है। और जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसमें AIIB इसकी फुलफॉर्म होती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। इसका मुख्यालय अगर आप देखो तो इसका मुख्यालय है आपका बीजिंग में। तो AIIB बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सहायता से सड़कों का पुनर्निर्माण भी किया जाता है। मतलब ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार को लोन देता है और इस बैंक से फंडिंग होके हमारी सड़कों की क्या होती है, मरम्मत होती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। ये आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन नीति सबसे पहले किसने बनाई थी, तो मध्य प्रदेश ने बनाई थी, ठीक है। राज्य परिवहन नीति बनाने वाला पहला राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। अब इस परिवहन नीति में क्या होता है, इसमें खुली परमिट नीति तथा कम कर दरों पर, खुली परमिट नीति यानी बसों को परमिट देना, कम कर दर मतलब टैक्स की जो रेट है वो कम, तो खुली परमिट नीति तथा कम कर दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि मध्य प्रदेश परिविहन निगम तो अब है नहीं, वो तो विघटित हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, परमिशन, परमिट नीति, परमिट दिए जाती है, ठीक है। बसों को परमिट दी जाती है, जो भी आपकी बस है आप भी जाके जो है गवर्नमेंट से परमिट लेके जो है ग्रामीण मार्गों पे जो है बस चला सकते हैं। तो परमिट नीति जारी की जाती है, इसमें टैक्स कम लिया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इतना क्लियर हो गया। तो राज्य परिवहन नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इसमें परमिट दी जाती है, कम टैक्स पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 2017-18 में इंदौर जिले में एक ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, ड्राइविंग ट्रैक मध्य प्रदेश में कहां बनाया गया है, तो इंदौर जिले में बनाया गया है। और ये ड्राइविंग ट्रैक क्या होता है, कुछ नहीं यार, आप जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो तो वहां से आपको गाड़ी चलवाई जाती है, गाड़ी चलवा के टेस्ट किया जाता है। तो एक ऐसी रोड बनाई गई है जिसमें मोड़ है, आड़ी है, तिरछी है, तो एक ऐसी रोड बनाई गई है, इसी को बोलते हैं ड्राइविंग ट्रैक। तो पूरे मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में इंदौर जिले में ही ड्राइविंग ट्रैक, मतलब इंदौर में ही ड्राइविंग ट्रैक को बनाया गया। तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कहां पर ड्राइविंग ट्रैक स्थित है, तो इंदौर जिले में स्थित है। इसके अलावा ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और सागर में प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। तो प्रस्ताव भेजा गया है किसको, केंद्र सरकार को भेजा गया है। तो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जब केंद्र सरकार फंड देगी तो यहां भी बन जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में कहां है, तो इंदौर में। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मध्य प्रदेश में जो ड्राइविंग ट्रैक है वो किस जिले में स्थित है, तो इंदौर जिले में स्थित है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा पांडुर्ना कहां पड़ता है, छिंदवाड़ा जिले में। तो छिंदवाड़ा जिले में जो पांडुर्ना तहसील है वहां पे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र ये। तो केंद्र सरकार के द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कहां खोला गया है, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुर्ना में, ठीक है। तो ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल, वहां पे जो ड्राइविंग की ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल केंद्र सरकार की सहायता से खोला गया है छिंदवाड़ा के पांडुर्ना में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फिटनेस सेंटर भी है, लेकिन फिटनेस सेंटर सब जगह है। तो बस नई चीज क्या है, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कहां पे है, पांडुर्ना छिंदवाड़ा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बस स्टैंड कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का भी सबसे छोटा बस स्टैंड है आपका खरगोन, ये आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बस स्टैंड कौन सा है, खरगोन है। अब देखिएगा अगला है, मध्य प्रदेश के सैंधवा बॉर्डर से कौन कहां पड़ता है, बड़वानी जिले में। तो बड़वानी के सैंधवा बॉर्डर से मध्य प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व, राजस्व मतलब पैसा,
सबसे अधिक राजस्व कहां से प्राप्त होता है? तो बड़वानी जिले के सेंधवा बॉर्डर से मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू यानी कमाई होती है, राजस्व की प्राप्ति होती है। क्यों होती है भैया? सेंधवा में ऐसी कौन सी खास बात है? तो सेंधवा में नेशनल हाईवे 3 और नेशनल हाईवे 6 NH3 और NH6 मिलते हैं। तो NH3 से आने वाली गाड़ियां भी यहां पे पेमेंट करती हैं और NH6 से गुजरने वाली गाड़ियां भी यहां पे पेमेंट करती हैं। तो इन दोनों का मिला के ना टोटल रेवेन्यू मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदे में मध्य प्रदेश सरकार रहती है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो बड़वानी के सेंधवा से मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, तो ब्यावरा को जो राजगढ़ जिले में है, ब्यावरा को मध्य प्रदेश का चौराहा कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का चौराहा किसे कहा जाता है? ब्यावरा को, क्योंकि ब्यावरा में क्या है, मान के चलिए ये ब्यावरा है। ब्यावरा से एक तो NH3, ये NH3 आया है, ये NH3 होकर गुजर रहा है। दूसरा, ठीक है, एक तो यहां से NH3 गुजरता है और NH12 नेशनल हाईवे क्रमांक 12 जो कहां से है, जबलपुर से जयपुर। तो देखिए, ये जबलपुर से होता हुआ आया और जयपुर राजस्थान जाएगा, तो ये चौराहा बन गया। इसके अलावा बहुत सारे रास्ते यहां से गुजरते हैं। तो मध्य प्रदेश का चौराहा किसे कहा जाता है? ब्यावरा को कहा जाता है, ब्यावरा राजगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि यहां से सब जगह आप ग्वालियर जा सकते हो, आप भोपाल जा सकते हो, ठीक है, और आप इंदौर जा सकते हो। तो सब जगह के लिए यहां से रास्ता उपलब्ध है। इसके अलावा AB रोड बॉम्बे जाने के लिए भी। तो देखो, इसे मध्य प्रदेश का चौराहा किसे कहा जाता है? ब्यावरा को। ओके, अगला है आपका, महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योजना कब आरंभ की गई थी? तो महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योजना का आरंभ 28 दिसंबर 2015 से किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योजना का आरंभ 28 दिसंबर 2015 से किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये आप याद रखना है, काम क्या होता है? बस स्टैंडों के विकास एवं रखरखाव के लिए। ठीक है, तो बस स्टैंडों के विकास एवं रखरखाव के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, जिसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। कब बनाई गई? 23 दिसंबर 2014 को। तो इस मध्य प्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का काम क्या होता है? तो काम होता है बस स्टैंडों के विकास एवं देखभाल करना। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, बताइए बस स्टैंडों के विकास के लिए कौन सी अथॉरिटी बनाई गई है? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। मध्य प्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, तो ये आपको याद रखना है। बस लास्ट एक दो पॉइंट हो रहे हैं। और देखिएगा, मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। ये नर्मदा एक्सप्रेस वे 6 लेन होगी, ठीक है, अभी मतलब प्रस्तावित है। तो नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी और ये नर्मदा एक्सप्रेस वे कैसी होगी? 6 लेन की होगी, 6 लेन होगी। इसकी कुल लंबाई 1265 किलोमीटर की होगी। कुल लंबाई कितनी होगी? 1265 किलोमीटर की। और इसमें लागत यानी बजट कितना आएगा? तो 31,000 करोड़ की इसमें लागत आएगी, 31,000 करोड़ की लागत। और ये किन किन स्टेट को आपस में जोड़ेगा? तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो नर्मदा एक्सप्रेस वे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं गुजरात को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले इसमें कनेक्ट होंगे? तो देखिए, ईस्ट से स्टार्ट कर दो आप। ईस्ट से क्या क्या हो जाएगा आपका? अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, बड़वानी, अलीराजपुर। ये मध्य प्रदेश के जिले नर्मदा एक्सप्रेस वे योजना के तहत कवर, मतलब यहां से नर्मदा एक्सप्रेस वे होकर निकलेगा, इन जिलों से होकर निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा? नर्मदा एक्सप्रेस वे कितने लेन का होगा? 6 लेन का होगा। ठीक है, 6 लेन का होगा। कुल लंबाई कितनी होगी? 1265 किलोमीटर होगी।
कुल बजट कितना आएगा 31,000 करोड़ रुपए का, कितने राज्यों को लाभ होगा 3 राज्यों को, कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश के कौन से जिले लाभान्वित होंगे अनूपपुर डिंडोरी मंडला जबलपुर नरसिंहपुर होशंगाबाद हरदा बड़वानी, मैप के द्वारा देखना है वो भी दिख लीजिए, ये दिख लीजिए यहां से ये छत्तीसगढ़ है ठीक है और ये क्या है आपका गुजरात। तो छत्तीसगढ़ से हम चले अनूपपुर, अनूपपुर से चले डिंडोरी, डिंडोरी से चलेंगे तो आपका आएगा मंडला, मंडला से चलेंगे जबलपुर, जबलपुर से चलेंगे नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से होशंगाबाद, होशंगाबाद से हरदा, हरदा से बड़वानी, बड़वानी से अलीराजपुर, अलीराजपुर से होते हुए गुजरात चला जाएगा। तो ये है नर्मदा एक्सप्रेस वे। ओके क्लियर हो गया। तो ये मध्य प्रदेश के जिले हैं जो लाभान्वित होंगे। और लास्ट आपका बचा है चंबल एक्सप्रेस वे। चंबल एक्सप्रेस वे भी मध्य प्रदेश में बन रहा है और इसको 2018 में इसको स्वीकृति प्रदान की कर दी गई है ठीक है। चंबल एक्सप्रेस वे तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी 300 किलोमीटर की होगी और ये भी आपका 6 लेन यानी कि 6 लेन का होगा चंबल एक्सप्रेस वे। और कौन कौन से स्टेट को जोड़ेगा मध्य प्रदेश ठीक है। तो ये है आपका एमपी, एमपी के इस साइड है आपका यूपी और इस साइड क्या है आपका राजस्थान ठीक है। तो किस कौन कौन से राज्यों को जोड़ रहा है राजस्थान मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश को, इन तीनों राज्यों को कवर करेगा आपका कौन सा चंबल एक्सप्रेस वे ठीक है। और NH 92 मतलब NH 92 में जाके ये खुल जाएगा तो NH 92 कहाँ गया है यूपी गया है ओके। तो मध्य प्रदेश के किन जिलों को लाभ है तो मध्य प्रदेश के आपके भिंड मुरैना शिवपुर को ये यहां से होके गुजरेगा, मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना एवं शिवपुर से होके गुजरेगा क्या गुजरेगा भाई चंबल एक्सप्रेस वे। चंबल एक्सप्रेस वे को एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं तो देखिएगा ये है चंबल एक्सप्रेस वे, यहां है आपका राजस्थान और यहां पे है आपका उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहां से ये बनेगा तो बनेगा तो कौन से जिले कवर हो गए एक तो शिवपुर मुरैना और भिंड और ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश में NH 92 में जाके ये मिल जाएगा। तो ये आपका जो बन रहा है ये कहलाएगा आपका चंबल एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे ठीक है भाई क्लियर हो गया। सो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और सड़क परिवहन का जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच।